Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, हमने देखा पिछले सीजन जो है वो लिवरपूल टॉप फोर फिनिश कर गई, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर उधर होते हुए दिखा लिवरपूल में। बेसिकली अगर मैं बात कर लूँ तो लोग इंजरी से बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, खासकर अपने डिफेंसिव सेक्टर में, जहाँ उनके तीन बड़े बड़े डिफेंडर इंजर्ड हो गए थे। लेकिन इस सीजन उन लोग फिर से जो है वो इंग्लिश टेरिटरी और यूरोपियन टेरिटरी को कब्जा करने के लिए रेडी हैं। और भाई साहब, जो तीन डिफेंडर बड़े बड़े इनके इंजर्ड हो गए थे पिछले सीजन, दे आर बैक एंड दे आर लुकिंग वेरी शार्प। वैन डाइक हो गए, मार्टिप हो गए, गोमेज हो गए, तीनों वापस आ गए हैं। ऑल्सो दे हैव साइंड अनदर डिफेंडर फ्रॉम लाइपज़िग। भाई साहब, 36 मिलियन में जो है वो कोनाटे को साइन कर ली है लिवरपूल, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे डिफेंस प्लेयर नज़र आते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस का मामला जो है वो लिवरपूल ने सिक्योर कर लिया है। जितने भी दुविधाएं लिवरपूल पिछले सीजन डिफेंस में गुजर रही थी, अब वो शायद नहीं गुजरेगी। लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ अदर पोजीशंस जिनको लिवरपूल को कवर करना पड़ेगा इस ट्रांसफर विंडो में। अगर मैं बात कर लूँ तो मिडफील्ड में ही देख लो यार, वाइनाल्डम जा चुके हैं। कौन वाइनाल्डम का जगह लेगा भाई साहब? अटैकिंग साइड में ले लूं तो साला और माने, ये दोनों जो हैं वो अपना लगभग 1-1.5 मंथ लिवरपूल में नहीं खेलने वाले हैं जनवरी से फरवरी के बीच में, क्योंकि इन लोग जो हैं वो अफ्रीका में, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो होता है उनका, वो इन लोग खेलने जाएंगे जनवरी और फरवरी के बीच में, जिसके चलते लिवरपूल के फ्रंट थ्री से दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर साला और माने तुमको खेलते हुए नहीं नजर आएंगे हर डेढ़ महीने तक। तो यहाँ पे लिवरपूल को अपनी अटैक को भी थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट टाइम पे, जहाँ दिसंबर ब्रेक के बाद बहुत लगातार गेम्स होते हैं और एक UCL का भी अच्छा स्टेज जो है वो चल रहा होता है, वहाँ पे इनकी कमी ना खा ले। ये ट्रांसफर विंडो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला लिवरपूल के लिए। आज की वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट एग्जैक्टली यही सिचुएशन, कि किन प्लेयर्स के ऊपर लिवरपूल की नज़र है, कौन कौन टारगेट हैं लिवरपूल के। तो भाई साहब, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जैसा कि तुमको पता है भाई साहब, लिवरपूल की स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती है, पहले बेचेंगे और उसके बाद खरीदेंगे। तो लेट्स लुक ऑन दी सेल्स ऑफ लिवरपूल। सबसे पहला जो है वो प्लेयर बेचा गया है मार्को क्यूरिच, ये 10.5 मिलियन के लिए पोर्टो जाते हुए नजर आए हैं। सेकेंड प्लेयर ताइवो एन वोइनी, भाई अजीब सा नाम है, अवोनी 6.5 मिलियन के लिए भाई साहब ये बर्लिन जाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ हैरी विल्सन जो है वो फुलम में पिछले सीजन लोन में थे, ये 12 मिलियन में फुलम खरीद ली। और ऑल्सो सबसे बड़े ट्रांसफर इनके लिए थे वाइनाल्डम भैया मिडफील्ड से, लेकिन ये फ्री में गए, तो इनकी तरफ से कोई भी एक रुपया नहीं मिला है। और भी कोई छोटे मोटे प्लेयर हैं जो लोन और इधर उधर में इधर उधर गए हैं, तो तुम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कुल मिला के अराउंड 30 मिलियन को जो है वो लिवरपूल ने फिगर अचीव कर लिया है प्लेयर्स को बेच करके। लेकिन यही नहीं, अभी और भी प्लेयर्स हैं लिवरपूल के जो हो सकता है तुमको आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि 31 अगस्त तक का टाइम है, इस पूरे टाइम पीरियड में तुमको इधर उधर जाते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर वन ऑफ दोज प्लेयर इज शकीरी। शकीरी भाई साहब आए तो बहुत ही ज़्यादा होप्स के साथ लिवरपूल में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो स्टार्टिंग रोल नहीं मिल पाया लिवरपूल में। मैं बहुत एक्साइटेड था शकीरी के अक्वायरमेंट में लिवरपूल से, बट भाई साहब ऐसा कुछ हो नहीं पाया यार। एनीवे, शकीरी के लिए जो है वो बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, सेविया, विलारियल, लाजियो, नापोली, सब जो है वो शकीरी की सिचुएशन को माउंट कर रही हैं। अब देखो कौन से क्लब कहाँ पे इसको लेके जाता है। एंड आई थिंक सो पर्सनली लिवरपूल भी जो है वो शकीरी को बेचना चाहिए और किसी और प्लेयर को यहाँ लाना चाहेगी। ऑफकोर्स ऑक्स भी जो है वो इधर उधर जाते हुए नजर आ सकते हैं। वेस्ट हैम अभी नंबर वन रेस में दौड़ रही है। नेट फिलिप्स जो है, जो डिफेंडर हैं, वो भी तुमको जाते हुए नजर आ सकते हैं। लिवरक्यूसन का जो है वो बहुत बड़ा टारगेट थे नेट फिलिप्स, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बेड नहीं आई है। बट हाँ, ब्राइटन, बर्नली, न्यूकासल, वेस्ट हैम, इनकी तरफ से भी जो है वो ऑफर्स नजर आ रहे हैं। बेन डेविस भी जो है इनके डिफेंडर, वो भी तुमको इधर उधर जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बेन डेविस जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्म खड़े हुए सिचुएशन में, वो कह रहे हैं यार मैं लिवरपूल में जो है वो सक्सीड करना चाह रहा हूँ, ऑल दो मेरे को अभी तक प्ले टाइम मिला नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रेस जर्गन क्लॉप एंड स्टे हियर। तो अब देखते हैं बेन डेविस के साथ क्या होता है इन सब में से। लेकिन अगर कोई भी जाएगा ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा जो है वो गारंटी वाली बात है, कि वो 30 मिलियन का फिगर ऑफकोर्स जो है वो बढ़ते हुए तुमको नजर आएगा। और उस 30 प्लस मिलियन के बढ़ते हुए फिगर से जो है वो लिवरपूल कुछ प्लेयर साइन करना चाह रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अभी जो है वो असली मजेदार चीज के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप टारगेट्स ऑफ लिवरपूल। बट मैं तुमको बता दूं, इनको हम लोग इस हिसाब से बात करेंगे, जिसका मैं सबसे पहले बात करूंगा उसका ज्यादा चांस है लिवरपूल में आने का, एंड लास्ट में जाते जाते रूमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
नंबर वन जो है वो है हमारे बॉडी बिल्डर ट्रायोरे जो वुल्स के प्लेयर हैं, और मैं थोड़ा सा शॉक्ड था इस र्यूमर को देखते हुए, और मैंने और खोजने की कोशिश करी तो मेरे को पता चला कि भाई साहब ये र्यूमर ही नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रायोरे के ऊपर लिवरपूल की। अब वहाँ पे कुछ रीज़न है इस चीज़ के चलते। मैं जानता हूँ ट्रायोरे थोड़ा उतना अच्छा प्लेयर नहीं है, बन बात करते हैं उसके बारे में, सुन लो पहले। तो सीन ऐसा है कि 30 मिलियन जो है वो वुल्स को देने के लिए तैयार है एडमा ट्रायोरे के लिए लिवरपूल। और सबसे बड़ा सीन ये है यार कि यंग प्लेयर है, पेस काफ़ी ज़्यादा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो एक अच्छा अटैक जो है वो ऑप्शन ये प्रोवाइड कर देगा लिवरपूल को। और ऑल्सो वन मोर थिंग कि ट्रायोरे के लिए 80 मिलियन वुल्व्स मांग रही थी पिछले सीजन और उसके पिछले सीजन भी जहाँ तक मुझे याद है, और वो जो फिगर है वो 30 मिलियन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। इसके पर्टिकुलरली दो रीज़न है, नंबर वन कोविड एंड नंबर टू ट्रायोरे की फॉर्म। ट्रायोरे पिछले सीजन 32 गेम्स खेल करके केवल 2 ही गोल मारा वेस्ट हैम के लिए, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है लिवरपूल के लिए अगर यही फॉर्म वो कंटिन्यू करता लिवरपूल में आकर के भी। सीइंग दैट कि पिछले सीजन लिवरपूल इसी चीज से बहुत ज्यादा जूझ रही थी, शॉट के कन्वर्जन रेट लिवरपूल में बहुत खराब चल रहे थे, जहां पे भैया 100 शॉट्स अगर लिए जाते तो केवल 10 ही गोल जो है वो कन्वर्ट हो पाते थे, और यही चीज से तो भाई ट्रायोरे जूझ रहे, जिसके चलते इसका फॉर्म डिप हुआ है और इसकी प्राइस में इतना गंदा जो है वो डिप आया है। लेकिन भाई साहब वी ऑल नो प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं मैनेजर के अंडर, क्योंकि एक समय भाई साहब मोहम्मद साला भी फ्लॉप थे चेल्सी में, समझ रहे हो, तो भाई साहब हो सकता है ट्रायोरे यहाँ आकर के चमक जाए क्लॉप के अंदर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बट स्टिल 30 मिलियन है, यंग है, पेस है, फिजिकलिटी है, बैकअप अच्छा हो सकता है मोहम्मद साला के लिए, अब देखो क्या होता है। एनीवेज सेकंड जो है वो हम अब ये तो तुम हजारों बार सुन चुके होगे अभी तक, और वो है साउल भाई साहब, एथलेटिको मैड्रिड के मिडफील्डर जो है ये लिंक्ड है लिवरपूल से, और बहुत समय से जो है वो लिंक्ड है लिवरपूल से। भाई साहब ऐसे भी रिपोर्ट्स आए कि लिवरपूल की पहली बिड जो है वो एथलेटिको मैड्रिड ने भैया टर्न डाउन कर दी, बोला कि इतने सस्ते में हम नहीं बेचने वाले, जिसके चलते लिवरपूल ये सोच रही थी कि भैया हम शकीरी या ओरिगी को इस डील में डाल देते हैं और सस्ते में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लिवरपूल को ये चीज समझ में आई कि चेल्सी और मैन यूनाइटेड जो है वो बहुत ज्यादा इस साइकिल में घुस चुकी हैं, इस रेस में घुस चुकी हैं, तो लिवरपूल जो है वो ये कह रही है कि भैया अब कोई रिस्क नहीं लेना है हमको, हमको चाहिए साउल क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है, वाइनाल्डम का रिप्लेसमेंट है, और अगर हम इसको नहीं ला पाए तो हमारा फेलियर ट्रांसफर विंडो होगा। इसलिए 41 मिलियन का जो है वो फिगर मांग रही है एथलेटिको मैड्रिड, एंड लिवरपूल तैयार है पूरा 41 साउल को देने के लिए। अब देखो ये चीज कब जो है वो ऑफिशियल आकर के नजर आती है। नंबर थर्ड जो है वो है फ्रैंक किसिए। अब मेरे को नहीं पता इनका नाम कैसे प्रोनाउंस होता है भाई, शायद ऐसे ही होता होगा, किसिए ही नाम होगा इनका। एसी मिलान के हैं, मिडफील्डर हैं, 24 साल के हैं, एक यंग वाइनाल्डम के तरीके से नजर आते हैं, मिडफील्डर और सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर दोनों जगह खेल लेते हैं। 50 गेम इन्होंने पिछले सीजन एसी मिलान में खेल करके 14 गोल और 6 असिस्ट मार के दिया है, और इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगले साल एक्सपायर है। तो भाई साहब हो सकता है एसी मिलान इस सीजन जो है उसको बेच करके ज़्यादा पैसा कमाना चाहे। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि मीडिया में आकर के फ्रैंक ने भैया ये खुद कहा है कि मैं अपना फ्यूचर एसी मिलान में नहीं देखता हूँ, तो हो सकता है लिवरपूल अगर साउल को लेने के लिए फेल हो जाए तो फ्रैंक किसिए कुड बी द चॉइस फॉर लिवरपूल। भाई साहब थर्ड जो है वो है टेलेमेंस। अब टेलेमेंस जो है वो लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, टेलेमेंस बहुत प्यारे प्लेयर हैं, यंग हैं, और लिवरपूल भाई साहब इसको चाह रही अपने पास लाना, और इसी के चलते, इसी र्यूमर के चलते टेलेमेंस अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहे हैं लेस्टर सिटी के साथ। बट यार लेस्टर सिटी चाह रही है कि इसको रोक ले, लेकिन लिवरपूल का जो ये र्यूमर चल रहा है ना टेलेमेंस भैया, उसके चलते थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। इसका मतलब ये है कि लिवरपूल जो है वो सच में इंटरेस्टेड है, और ये कोई नहीं, ये फैब्रिजियो खुद कह रहे हैं भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फैब्रिजियो खुद बोल रहे हैं। तो अब भाई तुम जानते हो फैब्रिजियो बोल रहा है, मतलब बात सच्ची है। अब देखते हैं क्या होता है टेलेमेंस के साथ, लेकिन अब देखो यार लेस्टर सिटी जो है वो रोकना तो चाहेगी बेल्जियम इंटरनेशनल को, बट लिवरपूल जो है वो इंटरेस्टेड है। एनीवेज भाई साहब फोर्थ जो है, अब देखो यहाँ से जो है ना मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये थोड़े से र्यूमर ही तरीके से है, तो अब इसको र्यूमर तरीके से लेना। नंबर फोर है निको बरेला। निको बरेला प्लेस फॉर इंटर मिलान, यूरो भी जीत चुके हैं, और इंटर मिलान में ऑफकोर्स इनका जो सीरिया का टाइटल है वो भी जीत चुके हैं। ये इनको जो है वो लिवरपूल सोच रही है एज अ वाइनाल्डम रिप्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अराउंड 60 मिलियन का फिगर निकल के आ रहा है। क्या निको बरेला लिवरपूल के प्लेयर बनेंगे, टाइम विल टेल अस। और ये जो है वो तुमको ला रिपब्लिका ने जो है वो ला के दिया है। नंबर फिफ्थ जो है वो है रेनाटो सैंचेस। रेनाटो सैंचेस में तो भाई साहब अभी बहुत सारे लोगों की जो है वो र्यूमर से घिर चुके हैं, क्योंकि लिल जो है जो
लीग अन के विनर है लिल, वहां पे भाई साहब लिल ने जो है वो रेनेटो सांचेस को ट्रांसफर लिस्ट कर दिया है। लेकिन वहां लीग अन जीता ही नहीं, इन्होंने जाकर के यूरोज में भी पोर्तुगल के साथ बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस दिया है। तो पीपल आर एंड क्लब्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग रेनेटो सांचेस इन देयर टीम। यंग भी हैं, 24 या 23 साल के हैं कुछ, तो लिवरपूल भी उसमें से एक है कि हाँ रेनेटो सांचेस अगर कोई नहीं तो रेनेटो सांचेस को तो हम ले ही सकते हैं। तो डेली एक्सप्रेस की तरफ से ये जो न्यूज़ आई है। एनीवेज नंबर 6 एंड द लास्ट वन हियर इज डैम्सगार्ड। भाई साहब डेनमार्क के मिडफील्डर हैं, लेफ्ट विंग भी खेल देते हैं, मिडफील्डर भी बन जाते हैं, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर भी बन जाते हैं, कैम भी बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ये बंदा वर्सेटाइल है। यूरोज में भाई साहब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डालने के बाद जो इनकी क्लब है सैम्पडोरिया जो है सीरिया की क्लब, वो इसका प्राइस जो है वो 34 मिलियन सेट कर दी है। जिसको भी आना है भाई साहब इसको आके ले जा सकता है 34 मिलियन के लिए। सीरिया में इन्होंने 35 गेम्स खेल करके 2 गोल और 4 असिस्ट मारे, और यूरोज में जो है वो 5 गेम खेल करके 2 गोल और 1 असिस्ट मारा है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं लिवरपूल के लिए। क्विक रिविजन मैं तुमको करके दे दूँ। नंबर 1 जो है वो है ट्रायोरे, जो अटैक को बनाएंगे। एंड ट्रायोरे का थोड़ा सा र्यूमर इसलिए भी समझ में आ रहा है क्योंकि साला और माने जो है वो जैसा मैंने तुमको बताया जनवरी और फरवरी में गायब रहेंगे, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके ट्रायोरे का र्यूमर अपने दिमाग में रखना। नंबर 2 है साउल, नंबर 3 है फ्रैंक किसे, नंबर 4 है टेलेमेंस, मैं यहाँ पे नंबरिंग के साथ गेम कर गया अपनी ही, नंबर 5 है निको बरेला, नंबर 6 है रेनेटो सांचेस, और नंबर 7 है भैया डैम्सगार्ड। तो ये 7 प्लेयर्स जो हैं वो टारगेट नज़र आ रहे हैं लिवरपूल के। अब देखो कौन सा प्लेयर कब साइन होता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने वाला हूँ भाई साहब। मेरे ख्याल से एक और प्लेयर है जिसके ऊपर नज़र बननी चाहिए लिवरपूल की, और वो है रफीनिया। रफीनिया इज़ बेटर देन ट्रायोरे मेरे नज़र में। स्पेशली यार उसके ऊपर तुम डिपेंड हो सकते हो जब तुमको साला या फिर माने को भाई साहब रेस्ट देना है। तो मेरे ख्याल से रफीनिया इज़ बेटर ऑप्शन देन ट्रायोरे, बट ऑफकोर्स रफीनिया का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हाई रहेगा। टेलेमेंस मेरे नज़र में इस क्वाइट बेटर देन साउल, दोनों में से कोई भी आ जाए लिवरपूल में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये एक प्रायोरिटी वाली जगह है जहाँ पे लिवरपूल को सॉल्व करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वाइनल्डम की जो है वो वॉइड को तो फिल करना ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो लर कर लेते हैं भाई साहब टेलेमेंस को ज्वाइन करने के लिए लिवरपूल तो फिर क्या ही बात है, बट अगर नहीं हो पाया तो साउल तो अच्छी ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो चलेगा। लेकिन एट द लास्ट मैं ये भी चाहूँगा कि लिवरपूल जो है वो एक स्ट्राइकर साइन करे यार। आई नो थोड़े से फंड्स के दंगे चल रहे हैं, बट इफ दे And manage to arrange some funds, I guess they should go ahead and sign a striker. अब ये striker कोई भी हो, Zapata हो, Tielemans हो, Zapata हो, लॉटारो मार्टिनेज हो, या फिर हालैंड ही क्यों ना हो, दे नीड टू साइन अ स्ट्राइकर मेरी नज़र में। क्योंकि एक स्ट्राइकर के आने से फर्मिनो को जो एक कंपटीशन मिलेगी उस जगह पे, डियागो जोटा लेफ्ट विंग में ज़्यादा खेलते हैं यार एज कम्पेयर टू अ स्ट्राइकर, एक नंबर 9 पर्टिकुलर नंबर 9 जो पोचर तरीके के होते हैं, मेरे ख्याल से वो ज़रूरत है लिवरपूल को। एंड ऑफ कोर्स यार फर्मिनो को कंपटीशन मिलेगा, साथ ही साथ अगर फर्मिनो के ऊपर बैट भी करता जर्गन क्लॉप, जो वो करना जो है वो बहुत ज़्यादा चाहता भी है और मतलब बहुत ज़्यादा फेथ रखता है वो भाई फर्मिनो के ऊपर, तो रेस्ट अगर जब जब फर्मिनो को देते हैं तो एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट जो है वो फर्मिनो को हमको देखने को मिलेगा। सो मेरे ख्याल से एक नंबर 9 भी जो है वो साइन कर लेना चाहिए लिवरपूल को, बट एज वी ऑल नो थोड़े से दंगे चल रहे हैं फंड्स के, बट देखते हैं क्या होता है। एनीवेज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुमने यहां तक देखा है तो तुमको लाइक करना जो है वो वीडियो का जरूर बनता है। टिल नेक्स्ट वीडियो, आई एम आशीष के सनी, बाय बाय, टेक केयर, पीस। यही थे लिवरपूल के जो है वो र्यूमर्स और टारगेट्स। अगर अच्छी लगी वीडियो तो मैं फिर से बोल रहा हूं लाइक कर देना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।